डांडिया में तो मैं यही ड्रेस पहनूंगी, चुन्नी भी मुझे लेनी पड़ रही है क्योंकि सास की वजह से, वरना तो मैं यही पहनूंगी और डांडिया खेलूंगी, इतना मजा आएगा, सब मुझे ही देखेंगे, ना तो मेरी ननन को कोई देखेगा ना ही मेरी सास को, इतना मजा आएगा। क्या मजा आएगा तुझे? आप कहाँ थे? मैं आपको ढूंढ रही थी मम्मी जी, आप कहाँ थी? जब तू गोल गोल घूम रही थी तुझे देख रही थी वहां से। मैं डांडिया में ना ऐसी करूंगी, दुपट्टा ले लूंगी और ये दोनों कपड़े पहन लूंगी और डांडिया करूंगी। कैसी लग रही? कार्टून जैसी। कार्टून जैसी तो आप लग रहे थे मम्मी जी, मैं तो सुंदर लग रही हूँ। क्या कह रही है मम्मी जी? ये बताओ ये कैसा लग रहा है? ये ना न्यू पीस आया है, ये अच्छा लग रहा है ना? इनकी दुकान में सारी चीजें ठीक ही लग रहा है, तो उस कार्टून पे किसी लगेगा। मम्मी जी मैं ना ये दुपट्टा नहीं लेना चाहती क्योंकि दुपट्टे में कौन मैं डांडिया खेल पाएगा, मैं तो दुपट्टा संभालूंगी फिर डांडिया खेलूंगी। तुझे तो ये दुपट्टा लेना ही पड़ेगा और साथ में ये भी, मेरा बस ले तुझे 4-5 दुपट्टे उड़ा दूं मैं। 4-5 दुपट्टे? हाँ। मन मन में गाली दे रही है, मेरी अभी जीभ कटी है। मम्मी जी मैं ही थोड़ी हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी को गाली दे रहे होंगे। किसी न किसी को मतलब? तेरा मतलब क्या है? कुछ नहीं मम्मी जी, अब आप मुझे ये बताओ कि मैं ये ड्रेस लूँ या ना लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसमें मैं डांडिया करूंगी, डांस करूंगी। बताओ ना। उतार इसको। क्यों? मैं चेक करूंगी कैसी लग रही है। आपको तो अच्छी लगेगी और फिर आप मुझे हाँ ही बोल दोगी कि ले 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 बहू तेरे पर तो सभी अच्छा लगता है। ये लो मम्मी जी, मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रही है। रुक जा बहू, मैं आती हूँ। कहाँ जा रहे हो? चेक कर रही हूँ इसको। ठीक है। चेक करने के लिए उधर क्यों गई? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे क्या, मैं तो ये लहंगा लूंगी और चोली लूंगी, मैं तो बहुत सुंदर लगने वाली हूँ। यार ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसकी हकदार तो मेरी बेटी ही है। बहन जी इसको पैक कर दो और मुझे पैसे वैसे मत बताना, ये मेरी बेटी का है। मम्मी जी मेरा वाला पीस कहाँ गया? वो अच्छा नहीं था। चल। अच्छा नहीं था? हाँ। लेकिन वो तो बहुत अच्छा था, देखो लहंगा भी कितना अच्छा है, उसके साथ वही जा रहा था। जल्दी से ले लो मम्मी जी प्लीज, मैं वही पहनूंगी घर पे। मैं लहंगा तूने पहन रखा है? हाँ ये लहंगा मैं ही तो ले रही हूँ। उतार इसे। मैंने कहा उतार दे इसको। इसका बिल कर दिया आपने? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे तो लग रहा है। तुझे लगने से क्या होता है, मुझे भी तो लगना चाहिए ना अच्छा। मम्मी जी ये तो मैं ही पहनूंगी, देखो व्हाइट कलर है, उसमें कितने अच्छे अच्छे कलर हैं। प्लीज मम्मी जी दिला दो प्लीज। कहा ना अच्छा नहीं लग रहा है? एक बार मैं समझ में नहीं आती तुझे, मैं दूसरी वाली दुकान में जा रही हूँ, वही आ जाइयो ठीक है 5 मिनट में। अरे तू पागल है क्या? तेरे लिए बहुत सुंदर सा सेट लिया है मैंने, उसके लिए कुछ नहीं लिया है और ना लूंगी ठीक है। तू हमारी क्या बातें सुन रही है? मम्मी जी मैं आपकी कोई बातें नहीं सुन रही हूँ, ये सेट तो मैंने पसंद किया था, आप अपनी बेटी के लिए लेकर जा रहे हो, बहुत ही गलत बात है मम्मी जी, भगवान जी सब देख रहे हैं। ये अच्छा नहीं है इसलिए लेके जा रही हूँ, तो उसके लिए। अच्छा नहीं होता तो आप मुझे दिलाते, उनके लिए लेके जाते। तो सुंदर सी है ना, तुझे दूसरा दिलाऊंगी, कल दिलाऊंगी ठीक है। मम्मी जी परसों से नवरात्रे स्टार्ट है, परसों तो गरबा नाइट है, मैं कब पहनूंगी? कब पहनेगी, परसों पहन सकती है, परसों है ना अभी। ये ले घूंघट ओढ़ और मुझे फॉलो कर, चल आजा पीछे पीछे। ठीक है बेटा। लेकिन मैं इनके पीछे पीछे क्यों आऊँ, मुझे तो वो सब लेना है। भगवान कहाँ करा दी आपने मेरी शादी, किस घर में करा दी, देख तो लेते, जरूर मेरे पिछले कर्मों की सजा मिल रही है। हाँ क्या कर सकती हूँ बेटा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ ठीक है, सारी बातें सुन रही थी हमारी। छोड़ूंगी नहीं मैं दोनों माँ बेटी को, आज इस ड्रेस को अगर मैंने कैंची से नहीं काटा तो मेरा नाम भी नीतू नहीं, क्योंकि सारी बाजी जीतू नाम है नीतू।